हेलो फ्रेंड्स, गेम्स इंस्टॉलेशन वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आयरन मैन गेम को कहां से डाउनलोड करें और इसे कैसे इंस्टॉल करें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे इस लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लें, और आप इसे इधर से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं इस पर नए नए गेम चलाने के बारे में बताते हैं। तो आइए सीखते हैं कि आयरन मैन गेम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करें। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस बंद करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आप अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस बंद क्यों करेंगे, क्योंकि ये एंटीवायरस गेम्स की फाइलों को क्रप कर देता है, मिस कर देता है और ख़राब कर देता है। तो आपको अगर ये गेम चलाना है तो आपको अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस बंद करना होगा। सबसे पहले आपको एंटीवायरस बंद करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाएं, जो लिखा है ओपन कंट्रोल पैनल। जब कंट्रोल पैनल खुल जाए तो इसके आगे पढ़ सकते हैं विंडोज डिफेंडर, इसमें जाएं। फिर ये टूल्स दिखा रहा है, ऐसे खोलें, फिर ऑप्शंस में जाएं और फिर आप देख सकते हैं ये लिखा रहा है रियल टाइम प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करें। और ये आप देख सकते हैं मेरे पे एंटी बता रहा है, यानी कि एंटीवायरस बंद है और आपके ये टिक बता रहा होगा और आपके एंटीवायरस ऑन होगा, इसलिए आपको इस पर से टिक हटा देना है और सेव कर देना है। इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस बंद कर सकते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस बंद कर लें तो आपको इसे चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूँ सॉफ्टवेयर का नाम और एड्रेस। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी IDM, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आपको गेम्स आसानी से और जल्दी से डाउनलोड करा देगा। आप देख सकते हैं मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा, इसे आप इस नीले बटन पर क्लिक कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी बिनरार की। ये बिनरार ही आपकी गेम की फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। आप ये देख सकते हैं इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा, इसे भी आप इधर पर क्लिक कर आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी DirectX 11 की। ये DirectX 11 गेम्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और गेम्स की फाइलों को भी एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, इसे भी आप इस नीले बटन पर क्लिक कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी Visual C++। ये माइक्रोसॉफ्ट का Visual C++ है। इसको अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका गेम इंस्टॉल होने के बाद एरर बता सकता है। तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कर लें। और आप देख सकते हैं ये दो भागों में बटा रहा है, एक 32 बिट वाले कंप्यूटर के लिए और एक 64 बिट वाले कंप्यूटर के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर 64 बिट का है या 32 बिट का है। और इसी प्रकार आप इसे डाउनलोड कर लें, इसमें ये बटन पर क्लिक कर इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगा। ये होगा हमारे 4 सॉफ्टवेयर, IDM, बिनरार, DirectX और Visual C++। तो इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको गेम कहाँ डाउनलोड करेंगे बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल खोलें और इधर पर सर्च करें आयरन मैन गेम स्लैश फुल्ली PC गेम्स .net और सर्च करें। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ गया आयरन मैन 1। इसे आप खोलें और आप देख सकते हैं ये फुल्ली PC गेम .net साइट खुल गई और ये रहा हमारा आयरन मैन 1 गेम। आप देख सकते हैं इसकी ग्राफिक, ये बहुत ही दमदार गेम है और आप देख सकते हैं ये एक्शन गेम है। और इसे इंस्टॉल करने से पहले, यानी कि डाउनलोड करने से पहले, आप इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये विंडो XP 7 और विस्टा और 8 में ही चलेगा और CPU 2.8 GHz का होना चाहिए और वीडियो मेमोरी 256 MB और हार्ड डिस्क में से 6 GB होना चाहिए। तो पहले आप इसे सिस्टम रिक्वायरमेंट पढ़ लें और उसके बाद इसे डाउनलोड करें। ये साइज बता रहा है 205 MB। आप इसे इधर नीले बटन पर क्लिक करें, उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये पेज खुल गया। ये पासवर्ड आप कॉपी कर लें। जब आप ये पासवर्ड कॉपी कर लें तो उसके बाद इस पर क्लिक करें यूज शेयरिंग। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा पेज खुल गया। इसके बाद आप डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप देख सकते हैं ये खुल गया। यहाँ पर टाइप द टेक्स्ट, यहाँ पे हमें ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो टाइप करना होगा। ये टेक्स्ट आप टाइप कर लें और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर आप ये देख सकते हैं ये IDM खुल गया और इसे आप स्टार्ट डाउनलोड बटन पर क्लिक कर आसानी से डाउनलोड
कर सकते हैं। तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक रेयर फाइल आ जाएगी जो बिनराज उसे एक्सेप्ट करेगा। बिनराज अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये आप रार फाइल नहीं देख सकेंगे। आपके पास ये ऐसी एक रार फाइल आ जाएगी, इसे आप एक्सेप्ट करें। ये लिखा है एक्सेप्ट टू। हाँ तो दोस्तों ये कह रहा है एंटर पासवर्ड। हम पासवर्ड पहले ही कॉपी कर चुके हैं साइड से, इसलिए हम इसे इधर पर पेस्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये एक्सेप्टिंग हो रही है। और जब ये एक्सेप्ट हो जाएगी तो इसके बगल में ये फोल्डर बन जाएगा इसी के नाम का। और ये एक्सेप्ट हो गई, ये रहा वो फोल्डर। हम इसे खोलेंगे, फिर से खोलेंगे, फिर से खोलेंगे। और आप ये देख सकते हैं सेटअप लिखा आ रहा है। हम इसे खोलेंगे और फिर प्रेस एनी की करने के लिए कह रहा है। ये प्रेस एनी की करेंगे और आप देख सकते हैं एक्सेप्टिंग हो रही है। इसमें कुछ वक्त लगेगा ये एक्सेप्टिंग होने में। और आप ये देख सकते हैं ये एक्सेप्टिंग पूरी हो गई। तो आप इस गेम लॉन्चर पर राइट क्लिक कर इसे सेंड टू डेस्कटॉप कर लें। और ये बता रहा है इंस्टॉलिंग डायरेक्ट टेस्ट। तो हमें इंस्टॉलिंग डायरेक्ट टेस्ट तो करना नहीं है, तो हम इसे कट कर देंगे क्योंकि हम इसे पहले इंस्टॉल कर चुके होंगे। और ये डन हो गई, तो हम इसे प्रेस एंड की करके ख़त्म कर देंगे। तो ये आ गया हमारा डेस्कटॉप आइकन। तो दोस्तों आप इसे क्लिक कर आसानी से खेल सकते हैं। आज हमने सीखा कि आयरन मैन गेम को कहाँ से डाउनलोड करें और इसे कैसे इंस्टॉल करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक बटन पर क्लिक कर जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।